झारखंड राज्य के सभी हमारे मुखिया, वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधिगण, परिषद, जिला परिषद, जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार है, सबको नमस्ते है, आदाब है। साथियों, अभी जो हम लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं ये वन वे है, अभी आप सिर्फ हमारी बात सुन पा रहे हैं, आपकी बात हम नहीं सुन पाएंगे। और हम लोग वो भी कुछ तैयारी ऐसा करें, करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की भी बात हमारे तक आए, हमारे सिस्टम तक आए। जो आप सब लोगों को मालूम है कि आज पूरा देश और दुनिया एक संक्रमण से गुजर रहा है, कोरोना वायरस से एक महामारी विभिन्न देशों से होते हुए राज्य के अंदर भी विभिन्न राज्यों में फैल रहा है। और ये बात अब झारखंड तक भी पहुंच रही है और मुझे लगता है कि कई सूचनाओं के माध्यम से आप सब लोगों को मालूम भी पड़ चुका है कि आज देश में क्या हालात है। इस महामारी में हमें कई जानकारियां अलग अलग माध्यम से मिल रही हैं, आपको भी मिल रही हैं। और आज इस महामारी से बचने के लिए सरकार, राज्यों की सरकार, देश की सरकार कई तरीके अपना रही है। और इस संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं। झारखंड एक अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर, हमारे लोग विभिन्न राज्यों में रोजगार पाने के लिए जाते हैं। और आज स्थिति कुछ ऐसे बनी है कि सभी लोग उन राज्यों को छोड़ छोड़कर अपने गांव की ओर आ रहे हैं। कुछ लोग गांव पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। कई अभी समस्याओं का दौर चल रहा है और मुझे लगता है कि हम सभी झारखंड के गरीब, मजदूर, किसानों का अभी जो जीविका और जिंदगी का सवाल है, अभी इस समस्या में, इस महामारी में कुल मिला के कहा जाए कि सभी लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, काफ़ी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में। और आज इस संकट की घड़ी में आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। विशेष तौर पर आप सब लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और आपको मालूम है कि आज पूरे देश में और हमारे राज्य में लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए, खासकर बाहर के लोगों से तो बिल्कुल ही नहीं। यहां तक कि आपके रिश्तेदार भी अगर किसी राज्य से आ रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा दूरी बना के रखें। आज ये कोरोना वायरस हम इंसानों के अंदर में समाहित होकर विभिन्न राज्यों में फैल रहा है, विभिन्न गांव में फैल रहा है, विभिन्न कस्बों में फैल रहा है, बस्तियों में फैल रहा है। हम लोगों से विकसित देश आज इस संक्रमण से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब चूंकि हमारे पास समय भी है, हमारे पास ये संक्रमण, ये महामारी थोड़ा समय से पहुँच रही है, तो हम इससे पहले कुछ उपाय कर पाए तो शायद हम इस महामारी से बहुत कुशलपूर्वक बाहर निकल सकते हैं।
और इसमें जन सहयोगी और आप सभी लोगों की सहभागिता के बगैर ये जंग नहीं जीता जा सकता है। आज निश्चित रूप से आप लोग काफ़ी परेशान हैं, आपके कई परिजन दूसरे जगहों पर फंसे पड़े हैं। हमारे पास, हमने यहाँ जो कंट्रोल रूम बनाया है राज्य के अंदर के लिए भी और राज्य के बाहर जो लोग फंसे हैं उनके लिए भी, और लगातार हजारों हजार फोन आ रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि आज वो तकलीफ जो वो लोग झेल रहे हैं उस विषय पर, इसीलिए आप लोगों से ये संवाद करना चाह रहा था कि आप लोग सुरक्षित रहें। कैसे सुरक्षित रहें, इसका मात्र यही उपाय है, आप घर पे रहें। आज इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि सारे रोजगार धंधे भी बंद हैं। आज मनरेगा का योजना नहीं चल रहा है, आज सरकार की कोई भी योजनाएं नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कल कारखाने सारे बंद हो गए हैं। वो इसलिए कि समूह में लोग ना रहें, सब लोग अलग अलग दूरी बना करके रहें, और यहाँ तक कि अभी जो इस आपात स्थिति पर जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, चाहे वो राशन की हो, सब्जी की हो, गैस सिलेंडर की हो, दवाइयों की हो, इसकी उपलब्धता के लिए राशन दुकानें खुली हुई हैं, दवा दुकानें खुली हुई हैं, सब्जियों के लिए बाजार लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको एक दूरी बना करके ही इस संक्रमण को रोक पाएंगे। आप सब्जी खरीदें, राशन खरीदें, दवाई खरीदें, गैस खरीदें, कुछ भी खरीदें, आप लोग सभी लोग एक एक दूरी बना करके, एक निर्धारित दूरी बना करके ही उन सब चीज़ों को खरीदारी करें। आज विशेषकर हमारे यहाँ जो वार्ड पार्षद जो मुझे देख रहे हैं, मुखिया देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, और भी सामाजिक कार्यकर्ता मुझे देख रहे हैं, हम इन बातों को अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि हम लोग सामाजिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ें। और इसके लिए हम गांव में भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी नज़रअंदाज ना करें। जो लोग आ गए हैं वो सभी लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप लोग हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क करें, उनको प्रेरित करें, उनसे उनकी जांच कराएं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि झारखंड में हम लोग इतने मजबूत इरादे वाले लोग हैं कि हम लोगों ने जो जो ठाना है उसको किया है। और आज इस महामारी से हम निश्चित रूप से बचेंगे, ऐसी उम्मीद है हमारी। हम लोगों ने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की भी स्थापना की हुई है सभी जिलों में, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है सभी जगह। इनका फोन नंबर को भी हम लोगों ने पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाया है कि जो समस्या आपको दिख रही हो और आपसे समाधान ना हो रहा हो उसको आप सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आज इस जंग को जीतने के लिए जीना सबसे बड़ा जरूरी है, और जीने के लिए खाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए खाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी प्रबंध हम लोगों ने कर रखी है। राज्य सरकार हर स्तर पर खाने को लेकर किसी भी व्यक्ति को कमी नहीं होने देगी। सभी राज्यों को पैसे भी आवंटित कर दिए गए हैं, सरकार ने सूखे राशन की भी व्यवस्था की है, और सीधे तौर पर खाद्य सामग्री जैसे आप चूड़ा, मुड़ी, गुड़ इत्यादि जो उपयोग हम लोग करते हैं इसकी भी व्यवस्था सरकार ने तैयारी कर रखी है। और मैं वार्ड पार्षद मुखियाओं से आग्रह करूंगा कि आपके गांव देहात में जो लोग गरीब हैं, जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग राशन कार्ड के माध्यम से 2 महीने का राशन सरकार देना प्रारंभ कर चुकी है,
कई जगह बढ़ भी रहा है बड़ी तेजी से। पेंशन जिनको नहीं मिल रहा था सभी को पेंशन मिला दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो लोग गांव में जिनका राशन कार्ड नहीं है और उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनकी दयनीय स्थिति है, उनको भी खाना उपलब्ध कराने के लिए, उनको भी राशन उपलब्ध कराने के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि आप उनकी सूची जिला उपायुक्त को उपलब्ध कराएं और वहां पर अविलंब हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जो जो बहुत तेजी से उन गरीबों तक अनाज पहुंचाएगा। और हम लोगों ने अभी विशेष तौर पर इस जो लोग छूट जा रहे हैं या छूट जाएंगे उन सब तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से हमने एक सीएम कैंटीन का एक योजना प्रारंभ किया है, चालू हमारा हो जाएगा अभी, जिसके माध्यम से सभी गरीबों तक चूड़ा गुड़ चना इत्यादि पहुंचाए जाएंगे, सूखे राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि ये वार्ड सदस्य और मुखिया आप ग्रामीण स्तर से जुड़े हैं, आपको हाथ में लोगों की गिनती है, कौन लोग कितने सक्षम है, कितने गरीब हैं, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सभी लोगों का आप लोगों से आग्रह होगा। कोई भी संक्रमित व्यक्ति हो, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई तकलीफ है, अविलंब हमारे सीएचसी वगैरह में जाकर के आप अपना, जो सभी प्रखंडों में हैं वहाँ पर जाकर के आप लोग अपना डॉक्टरों से आप लोग संपर्क स्थापित करें। और बाकी चीज़ें हम लोग समय समय पर आप लोग के बीच में अनेकों माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराया जाएगा। आपको मालूम है पूरे राज्य के अंदर दाल भात योजना पहले से चल रही है, लगभग 600 केंद्र ये चल रही हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने थानों के अंदर भी सभी थानों में भोजन उपलब्ध कराने का योजना प्रारंभ किया है। इस आपात की स्थिति पर इसलिए आप सब लोग से ये आग्रह है, बस इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस महामारी से हम लोगों ने कई महामारियां देखी हैं, एक ये भी समस्या, ये महामारी हमारे सर पर मंडरा रहा है। अब हमें सब कोई मिलजुल कर आज इस महामारी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें एकजुट होते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का, अपना जागरूकता का परिचय देना है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ इस राज्य के अंदर हमने बहुत जगहों पर आप लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर्स खोले हुए हैं, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सभी जगह पंचायत भवनों में हम लोगों ने जो जो लोग को थोड़ा ऐसा लगता है कि बाहर से आए हैं, संक्रमित हैं, या तो उनको पंचायत भवन में रखा जा रहा है, वो रह सकते हैं, वहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। कई जगह व्यवस्था उपलब्ध भी है। इस वजह से आप लोगों से पुनः आग्रह है कि किसी भी व्यक्ति में अगर इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सूखा खांसी है, जुखाम है, बुखार है और कई दिनों से है, वो तुरंत अस्पताल जाएं, वहाँ पर समुचित व्यवस्था है और इसके लिए सरकार उसको पूरी तरीके से उसकी देखभाल में लगेगी और उसको सरकार अपने संरक्षण में उसको सुरक्षित और इलाज करके ठीक करने का काम करेगी। और
और कुछ सरकार ने एक आदेश भी दिया है, बहुत सारे लोग जो पहले ही आ चुके हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, उनको घर के ही अंदर रहने के लिए कहा गया है। वो कुछ दिनों तक भी, इसमें 13-14 दिन का समय होता है, अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है, बाहर से आया हुआ है, 13-14-15 दिन है, कोई लक्षण नहीं है, तब तो कोई इसको समस्या नहीं है। अगर 13-14 दिन के बाद कुछ शरीर के अंदर उनको अपना अस्वस्थता बुझती है, लग रही है, तो वो तुरंत डॉक्टर से अस्पताल जाएं और उनसे संपर्क करें। और जो उन लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है, अगर वो लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका भी सूचना आप लोग तुरंत थाना में दें। और विशेषकर अफवाहें बहुत उड़ती हैं इस हालत में, अफवाहों पर थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, अफवाहों पर बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। और विशेष तौर पर आप सब लोग को चिंता है, आपके रिश्ते, आपके भाई दोस्त जो दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं, कोई केरल गया है, कोई गोवा गया है, कोई महाराष्ट्र गया है, कोई यूपी गया है, कोई छत्तीसगढ़ गया है, विभिन्न राज्यों में, आसाम तक लोग हमारे गए हुए हैं, आप लोग चिंता ना करें, उनकी सारी खबरें हम लोग ले रहे हैं। और सरकार विभिन्न राज्यों से के सरकार के साथ सामंजस्य बना करके उनको अनाज, उनको रहने की व्यवस्था, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। अभी हमारे पास सूचनाएं भी आना शुरू हो गई है, कई जगह से लोगों को वहाँ पर सहायता भी प्राप्त किया जा रहा है। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबरा करके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आज भीड़ भाड़ की जगहों से बिल्कुल परहेज करना है, एकदम अभी इस संक्रमण के प्रिय समय में भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो कहीं पर भी, ये सुनिश्चित आप सब लोग करते रहेंगे, इस पर नज़र बनाए रखेंगे, ऐसे हमारी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि सरकार की जो कंट्रोल रूम जितनी जगह पर बनाया गया है, सहायता केंद्र बनाया गया है, उसका नंबर भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उस पर आप उसको आप लोग नोट डाउन करके रख लें और उस फोन में आप लोग फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। अभी तो एक एक कॉमन नंबर आपको हम बता देते हैं, अभी 1181 जो नंबर है, इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे नंबर हैं, अभी उसमें एक आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें, 0651-24900-37। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, 0651-24900-37। और एक नंबर 2 नंबर दे दे, जी सर, केवल 2 ही नंबर। 0651-24900-52, 0651-24900-52, ये 2 नंबर अभी फिलहाल बहुत नंबर हैं, वो सभी आपको पेपर के माध्यम से मिलेंगे। सर अभी ये 2 नंबर आपको और एक नंबर 181 आपको बताया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी भी कोई समय हो, 24 आवर्स ये कंट्रोल रूम खुले पड़े हैं, बिल्कुल आप लोगों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, और उस सूचना के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद, सबको जोहार।